शास्त्र लिखा है कि नान्यस्मिन् वेदव्यानारीन् युक्तो व्याद्वजातिवि। अब मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसमें यह लिखा है कि वंश निर्वंश हो जाए स्वीकार कर लेना, लेकिन वैधव्य स्त्री के साथ अपने बेटे का विवाह मत करना। माता लोपा मुद्रा का वाक्य, संतान की कामना के लिए आप ये कदम मत बढ़ा देना। का वैधव्य स्त्री जिसका पति दुनिया छोड़ के ऊपर चला गया है, ऐसी स्त्री के साथ अपने बच्चों का विवाह मत करना। इसमें तो लिखा है कि वह माता पिता वह भी ये सोचें। ये बहुत सी चीजें हैं, ईश्वर के हाथ में हैं, व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता। हमारे शास्त्रों ने विरोध किया है, कन्यादान एक बार होता है। चलो प्रारब्ध की कोई ऐसी बात रही थी, मांग का सिंदूर उड़ गया, वह कन्यादान द्वारा होता नहीं है। आपके बेटे का कहीं से विवाह नहीं हो रहा और अपने पुत्र का विवाह आप वैधव्य नारी के साथ करते हैं जिसका पति दुनिया छोड़ करके चला गया है। वही बात यहां पर लिखी गई है कि समझदार लोगों को अपने बच्चे का विवाह वैधव्य स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, इससे सनातन धर्म को क्षति होती है, ऐसा लिखा है। ऐसा लिखा, हो सकता है कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हूं आज के युग में, लेकिन यहां से जो कहा जा रहा है इसमें कोई भी बात बुरा मानने के लिए नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो परिपाटी बनाई है कोई तो बात होगी। आज की भी सजग समझदार जो बेटियां हैं वो मम्मी पापा को कहती हैं कि मैं अपना जीवन निकाल लूंगी, मैं दूसरे विवाह के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं, और वो संयमित जीवन जी करके रहती हैं, ब्रह्म संयमित ब्रह्मचर्य जीवन जी करके रहती हैं। माता लोपा मुद्रा ने कहा था कि ऐसी देवी ऐसी स्त्री ऐसी नारी अपने मुक्ति का कपाट अपने हाथों से खोल देती है। वो ये ना सोचे कि पति के बिना मेरा उद्धार नहीं है, वो ये ना सोचे कि पुत्रों के बिना मेरा उद्धार नहीं है, वो अपनी मुक्ति का दरवाजा अपने हाथों से खुलती है। और ऐसी नारी को लेने के लिए धरती पर भगवान के दूत नहीं, ऐसी नारी को लेने के लिए धरती पर स्वयं भगवान चल करके आते हैं, ऐसा माता लोपा मुद्रा ने कहा। ये बातें समाज के बीच में परोसी जाएं तो समाज का व्यवचार खत्म हो जाएगा। जो आज जो व्यवचार तांडव नृत्य कर रहा है सब समाप्त हो जाएगा। व्यवचारी पुरुष के माध्यम से संतान होने वाली है, संतान कभी पूर्वजों का उद्धार नहीं करती। एक नारी 20 साल आपकी सेवा में रही, बच्चों का जन्म हुआ, और आज के बिगड़े हुए लोग उसको अपने आप से अलग करने में उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। तो मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा कुछ तुम्हें झेलना पड़ा है, ससुराल से पति से अलग भी होना पड़ा है, भगवान के भरोसे अपने जीवन का निर्वहन करना, द्वारा विवाह की मत सोचना। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, यहां दिक्कतें ही दिक्कत भरी पड़ी हैं, यहां धोखेबाज चौराहे चौराहे पर खड़े हैं। तुम संयमित जीवन जीने की कोशिश करें पूरी, भगवान का भरोसा लेकर, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, निर्बल केवल राम। अब भगवान के भरोसे अपने जीवन का निर्वहन करना।